नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। मैं अल्पना आज एक बार फिर आपको दिखाऊंगी सहजन के पत्तों का पराठा या पूड़ी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने सहजन के पत्तों को ले लिया है, जो बिल्कुल मुलायम मुलायम पत्ते हैं, उसी से हम पराठा या पूड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से पत्तों को पहले निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम पानी में धुलेंगे। पत्ते छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको आसानी से धो के खूब बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए, जैसे हम काट रहे हैं वैसे आप भी इसको हाथों में पकड़ के काट लीजिए। ये काट के हमने तैयार कर लिया है। अब हमने दो कटोरी आटा लेंगे और उसी में इसको डाल के इसका पराठा बनाएंगे। तो एक बड़ा बर्तन ले लिए और दो कटोरी आटा डाल के एक चम्मच हल्दी नॉर्मल चम्मच से और एक छोटी कटोरी बेसन डाल देंगे उसमें। बेसन डालने के बाद आधा चम्मच हमने अजवाइन डाला, उसको थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, जितना कम है ज़्यादा खाते हों। आधा चम्मच लगभग हमने भुना हुआ जीरा डाला था और एक चम्मच गरम मसाला और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च हमने काट के रख लिया है। तो अदरक को और लहसुन को हमने क्रश कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है, उसे भी इसमें डाल देंगे। मिर्च आप अपने स्वादानुसार डालें, जितना आप पसंद करते हों। दो से तीन चम्मच लगभग हम दही डालेंगे, हमने दो चम्मच दही डाला है और लगभग दो चम्मच हम तेल भी डालेंगे इसमें। जो भी तेल आप खाते हों, पसंद करते हों, वो तेल डाल सकते हैं। अब जिन पत्तों को हमने काट के रखा था उसे भी इसी में डाल देंगे। डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, सूखा ही मिलाना है पहले, क्योंकि जिससे जो भी हमने मसाला डाला है और जो भी सामग्री डाली है वो खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हम मिला रहे हैं और जब इसको हम खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा गूथेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए, इस तरह से हमने मिला लिया है, हमारा पूरा मिल गया है। क्योंकि पत्तों में खुद ही काफ़ी पानी रहता है तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें और पानी डाल डाल के इसको गूथें। तो ये देखिए, इस तरह से एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा तो फिर हम पूड़ियाँ या पराठा इसका नहीं बना पाएंगे। तो ये देखिए, पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और गूथते जाएंगे। वैसे गाँव में जब सुबह बच्चों को नाश्ता देना हो और कुछ भी समझ में ना आए तो पराठे और पूड़ी में इस तरह से आप बना के दीजिए तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और हम लोग तो हमेशा इसको बनाते हैं, खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये हमारा आटा बिल्कुल गूँथ के तैयार हो गया है। गूँथने के बाद इसको हम लगभग 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है। थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के इसको ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसकी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए, 10 मिनट हो गया है। अब आटे को हम ले लेंगे और लेने के बाद ये छोटे छोटे बॉल जैसे लोइयाँ इसकी बनाएंगे। ये देखिए, तो इसी तरह हम सारे आटे की लोइयाँ बना लेंगे और बनाने के बाद फिर हम इसकी पराठा बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लगा के इसको बेलेंगे, हाथों से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि इसमें पत्ते डले रहते हैं तो बेलने में थोड़ा सा दबा के बेलना है। ये देखिए, इस तरह से जैसे हम बेल रहे हैं बहुत आसानी से बेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए, इस तरह से हम बेल लेंगे। थोड़ा सा हल्का थीक ही बेलना है, थोड़ा मोटा रहे, बहुत पतला नहीं करना है। और फिर हमने तवा गर्म किया था, उसी में इसको डाल देंगे। तो देखिए, एक साइड हमारी जो पराठा था वो खूब अच्छी तरह से सेक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे घी, देसी घी हम लगा रहे हैं। आप जो भी तेल, रिफाइंड जो भी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप उस पर लगा सकते हैं। और आप इसकी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। देखिए कितना हरा हरा हमारा पराठा है जो बन रहा है। दोनों साइड से दबा दबा के हमें इसे सेंक लेना है।
बहुत अच्छा सेक रहा है, बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है और टेस्टी भी बहुत होता है। ये देखिए दोनों साइड से हमारा जो पराठा है खूब अच्छी तरह से लाल लाल सेक गया है। अब इसे हम ये देखिए इस तरह से रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ और पराठे बना लेंगे। जो भी आप पसंद करें उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये सहजन के जो पत्ता होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके पत्ते, फल और जड़ सब बहुत गुणकारी होता है। हम गांव में जब रहते हैं तो हम गांव की चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं, क्योंकि गांव में हमेशा हमारे पास सब्ज़ी नहीं मिल पाती है, तो जो चीज़ें घर में रहती हैं उसी से हम बनाते हैं। मेरी बेटी भी है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं, तो वो भी हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करके छोटी छोटी लोइयाँ मेरे साथ बना रही है। तो इस तरह से सारे हम पराठों को बनाते जाएंगे। सहजन की जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही फायदेमंद होती हैं डायबिटीज में, गठिया में, तो ये बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। बहुत सारे विटामिन्स भी इसमें पाए जाते हैं, तो अगर आपको मिले तो आप इनके पत्तों की सब्जी, दाल, पराठा, पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं। वैसे हमारे वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो इस तरह से हम सारे पराठों को बारी बारी से सेंक लेंगे। इस पराठे को आप अचार के साथ, दही के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ भी आप पसंद करें। तो इस तरह से देखिए हम सारे पराठों को बना लेंगे। सारे पराठे हमारे सेंक गए हैं, बहुत अच्छा पराठा हमारा बन के तैयार है। तो आप भी इसी तरह पराठा बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा पराठा बनाना कैसा लगा। देखिए कितना अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। हमारा चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।